नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ ही आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री कद में काफी छोटे थे, लेकिन वो फैसले बहुत बड़े लेते थे और साहस में भी वो एक कद्दावर नेता थे। शास्त्री जी की जयंती पर आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। वहीं उनके बेटे सुनील शास्त्री ने अपनी किताब में अपने पिता के साहस का जो वर्णन किया है, वैसा आमतौर पर नेताओं में नहीं देखा जाता। यह किस्सा साल 1965 का है। उस साल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। सुनील शास्त्री ने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह उनके पिता युद्ध के मोर्चे पर गोलीबारी कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों से आमने सामने रूबरू हुए थे। सुनील शास्त्री ने लिखा है कि युद्ध के समय एक सुबह लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें साथ लेकर मोर्चे का दौरा किया। वो पहले पाकिस्तान के बरकी गए, वहां भारतीय फौज ने कब्जा जमा लिया था। यहां के पुलिस थाने पर भारत का झंडा फहरा रहा था। यहां से कुछ दूर ही इछोगिल नहर थी। उस नहर पर एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारतीय फौज के जवान थे। दोनों पक्षों के बीच में गोलीबारी चल रही थी। बरकी का दौरा करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने सेना के अफसरों से कहा कि वो इछोगिल नहर भी जाना चाहते हैं। सेना के अफसरों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वहां पर खतरा है, उन्हें आगाह किया। सुनील शास्त्री ने किताब में लिखा है कि उनके पिता लेकिन फिर भी नहीं माने और कहा कि वो हर हालत में अपने जवानों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने और इछोगिल नहर जाने के दृढ़ फैसले के बाद सेना के जवानों की सुरक्षा में उन्हें वहां ले जाया गया। सुनील शास्त्री लिखते हैं कि जवानों ने लाल बहादुर शास्त्री के आसपास 6 सुरक्षा घेरे बनाए थे। शास्त्री जी नहर तक गए और भारतीय जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। सुनील ये भी लिखते हैं कि वो नहर का पानी पीने के लिए जिद करने लगे। इस पर सेना के एक अफसर उन्हें नहर तक ले गए, तभी दूसरी तरफ पाकिस्तानी जवान खड़े हो गए और वो फायरिंग करने ही वाले थे कि अफसर ने सुनील को उठाया और उनको सुरक्षा घेरे में ले आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।